बहुत सी ऐसी कुछ चीजें हैं जो मैंने आयशा भाभी से सीखी हुई है, तो मतलब बहुत सी चीजें जैसे कि कुछ चीजें प्लीज करना मैंने आयशा भाभी से सीखी है यहाँ पे आके ससुराल में। तो आयशा भाभी जो है ना बहुत अच्छी कुकिंग करती है, बहुत मजा आया मुझे, मंचूरियन फ्रूट चाट बहुत सब कुछ बहुत मजे का था, बहुत मजे का था। माशाल्लाह हमारी जो सारी भाभियां है ना वो सबके हाथ में टेस्ट है, बहुत मजा आया सब कुछ मैंने खाया। सारी की बात ऐसे खाया नहीं जाता लेकिन सब कुछ मैंने आराम से बैठ के सब कुछ खाया, आज कोई काम नहीं किया। मैं एक बात बताऊँ की समोसे बनाए ना मुझे पता वीडियो आई ना तो मेरा मेरे पास नहीं थी, मेरा दिल चाहे इसके हाल चुन इतने समोसे। अस्सलाम वालेकुम YouTube फैमिली, तो आपका भाई एक नई वीडियो के साथ आ गया है। तो ये देखें जी आज जो है ना कुकिंग कौन कर रहा है, देखें ये क्या बन गया है, ये किसने किया है, अच्छा ने मैंने इसी में चम्मच मारा गला मेरा देख नहीं है। और जी आज जो है ना आज जैसे कि आपको बताया था आपके भाई ने कि आज जो है ना हमारा जो है ना वो ग्रैंड अफ्तारी जो है ना वो करवाई जा रही है मेरी और आयशा की तरफ से। पूरे घर को घर के जितने फ्रांड हैं सबको बुलाया जाएगा, ठीक है, और सबके साथ ग्रैंड अफ्तारी की जाएगी। अनम सिस्टम भी आने वाली है, उमैर आ चुका है, ठीक है, उमैर कहीं गया हुआ अभी आ जाएगा, वो आ गया हुआ वैसे रात का आ गया हुआ है। अनम सिस्टम भी आ जाएगी और ग्रैंड अफ्तारी में जो है ना क्या क्या चीज़ें तैयार होंगी वो आयशा जो है ना वो आप देखते जाएंगे साथ साथ क्या क्या तैयार हो रहा है, मैं भी थोड़ी सी हेल्प करता हूँ। आपने देखते रहना कि कौन कौन सी रेसिपी होंगी, इसलिए वीडियो को स्किप नहीं करना, जो जो प्रिपरेशन कर रहे हैं आपने सारी वो देखनी है, ठीक है। तो अभी जो है ना थोड़ी बहुत तैयारी शुरू हुई है, अभी जो है ना काफी तैयारी होती है, माशाल्लाह मीठा बन चुका है। तो जो है ना वो मीठे तैयार किए, क्या क्या तैयार किया है, कस्टर्ड तैयार किया, टैगल जो होता है और साग जो है वो फिरनी, क्योंकि वो मेरे को बहुत पसंद है, बल्कि ज्यादा मेन्यू जो था ना वो गैस की कमी की वजह से मुझे बहुत मुश्किल हुई, आगे मुझे दावत में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आज मुझे 2:30 से टाइम मिला है। तो हालांकि मैं चाह रही थी कि चाइनीज प्रिपेयर कर रही हूँ, वो मैर की पसंद है, लेकिन आमना को बिरयानी पसंद है। सुबह मैंने सोचा था कि मैं बिरयानी भी साथ थोड़ी सी बिरयानी भी बनाऊंगी आमना के लिए, लेकिन टाइम शॉर्टेज की वजह से शायद मुझे वो स्किप करनी पड़े, दो और भी थी वो भी मुझे स्किप आउट करनी पड़ रही है सिर्फ शॉर्ट ऑफ द टाइम की वजह से। यार गैस की टाइमिंग जो है ना वो बहुत नेक्स्ट दावत पे हो गए जो होगी मैं सिलेंडर प्रिपेयर करवा के इधर रखूंगी, सिलेंडर होना चाहिए, ये तो गई आज के दिन क्योंकि मेरा पूरा मेन्यू खराब हो गया था, आपको पता मैंने क्या क्या लिस्ट बनाई थी उसमें मुझे, चलो कोई बात नहीं, बट अभी भी काफी हैवी किस्म की है, काफी चीजें जो है ना अभी बननी है और काफी बन चुकी है, काफी बननी है, वो साथ साथ आप देखते जाएंगे। तो जब पहली जो रात का महीना है जो पहली है वो पहली जो है ना आपको मैंने दिखा दिया, आपका भाई तैयार कर रहा है भाई, ये मैंने कहा था ये मेरी फरमाइश है क्योंकि मैंने ये खानी है, सबकी अपनी अपनी फरमाइश है भाई। मैंने जो था वो फिरनी का कहा था, वो बिरयानी का थोड़ा स्किप करना पड़ गया क्योंकि वो थोड़ा टाइम नहीं, चाइनीज बना रहे क्योंकि काफी सारी चीजें हैं, चाइनीज जो होता है ना वो इजिली डाइजेस्ट हो जाता है और हल्का फुल्का होता है, वो ज्यादा मैं अपने मैंने बनवाए हैं समोसे, आशा ने क्या पकौड़े क्रीम चाट बनेगी, वो भी आप देखिएगा। उसके लिए भाई मेरी अपनी पर्सनल इंग्रेडिएंट्स डालने हैं उसके अंदर, वो आपको ऐसा मैं दिखाता हूँ, उसमें आलू डालने हैं और थोड़े से मेरा से वो मैक्रोनीज हैं वो मैंने डलवाने हैं, वो छोटे बने
बड़े किस्म के हैं एल्बो शेल पता नहीं क्या जीप तरह के बहुत बड़े बड़े हैं वो नहीं मुझे पसंद आते इसलिए मैंने कहा था कि वो ना पाइप वाले होने चाहिए या एल्बो वाले होने चाहिए तो वो नहीं लगेंगे और साथ जो है ना उसमें थोड़े से आलू डलेंगे ठीक है और साथ जो है ना कॉकटेल डलेगा और क्रीम डलेगी और मजेदार बन जाएगा यार कमाल हो जाएगा और उसमें दो चीजें और ऐड कर दी जाए तो रशियन सैलेड का लगेगा रशियन सैलेड में आएगा वो मेयोनीज और मटर ऐड कर चने चना चाट भी चने चाट भी हां चना चाट रेडी है नीचे अच्छा रेडी है पहले चना चाट जो चूल्हे से पहले मेरा काम था ना वो नीचे रेडी है सब कुछ रेडी है ये ना समझ ना कि मैं कुछ नहीं कर रहा भाई ये बनाना देख रहे ये भी बहुत काम ये भी बहुत काम है ये भाई सबसे मुश्किल काम होता है शायद पूछ लो यहाँ पे यान भी आ गया यान रोज़ा है आपका यान ने भी इस बार माशाल्लाह सारे रोज़े रखे हैं तकरीबन मेरे से एक तो एक छोड़ा है सिर्फ रेडी हो चुका है तो इसमें मैं बाउल में डालने की बजाय ना मैं इसमें डालूंगी के लिए मैरिनेट किया हुआ चिकन है साथ अदरक लहसुन का पेस्ट भी अंदर ही है उसको मैं इस तरह भून लूँगी और खीर हमारी जो है वो अभी तक रेडी नहीं हुई क्योंकि खीर थोड़ा टाइम लेती है कस्टर्ड तो जल्दी बन जाता है ये फ्रूट चाट जो है वो रेडी हो गई है अब इसे बस मिक्स करना तीन चार के लिए मैंने क्रीम ऐड कर ली है इसको मैंने अच्छी तरह फेंट लिया और अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ फ्रूट जो मैंने काटा है जिसमें सेब केले और आलू शामिल है आलू गासी फरमाइश के और साथ में मैक्रोनी है ये मैंने एल्बो शेप ले लिया और साथ ये कॉकटेल है ठीक है तो सबसे पहले मैं इसको फ्रूट ऐड करूँगी और उसके बाद कॉकटेल ऐड करेंगे नहीं ऐसे ठीक है सही हो गया जबरदस्त बन गया टेस्ट कौन करेंगे सारी चीनी वाली चीज़ें मैं कर रहा हूँ नहीं नहीं टेस्ट इसमें क्या करना ठीक है हाँ ठीक है ऐसे कुछ नहीं था इसमें डालने का यार मैं क्रोनी होगा आपने चलो हमारी क्रीम चाट हो गई क्रीम चाट होगी दोनों चाट हमारी रेडी हो चुकी है स्ट्रॉबेरी रहेगी इसमें स्ट्रॉबेरी डालना है और कॉकटेल भी इसमें मिक्स कर देती हूँ पानी मैंने वाली चीजों की तरफ आते हैं एक घंटा रह गया और तो जी फ्रूट चाट और बाकी चीज़ें रेडी हो चुकी हैं अब रह गया है फ्राई करने वाला काम और हमारे पास टाइम शॉर्ट है तो मैंने सब्जियों को भी बुला लिया ताकि क्योंकि आज हमारे घर है ग्राइंडर तो माशाल्लाह सुबह से हमारे घर में कितने बजे की कैरियर स्टार्ट चली हुई है लेकिन 10 बजे से सेब निकली है क्योंकि 10 बजे हमने सेब को भेज दिया और जब हमने 2-3 चक्कर लगाए हैं तो क्या करते हैं थोड़ी थोड़ी ब्रेकों से लगाए हैं चक्कर क्योंकि काम बहुत है कैरी भी बहुत है तो बस चल रही है फ्राई हो गया घंटा देगा तो आखिरी घंटे में फ्राई करते हैं अभी तक क्या हो गया अभी क्या क्या तैयार हो चुका है चाट हो चुकी है फ्रूट चाट हो चुके हैं लोगों ने कहा दही बूंदी ना खा करे तो मैं नहीं खाऊंगी लोगों को दही बूंदी इतना प्यारा कहते थे हमें अच्छा नहीं ये भी हम वो जो आयशा है ना कि वो आयशा उसकी वजह से हम कहते थे दही बूंदी हम तो वैसे हम दही भले ही कहते थे किसी ने कहा था कि अच्छा नहीं लगता तो हम भी दही भले कहते थे हम दही भले बनाए
चना चाट आज नहीं तो यहाँ पे है चना चाट भी है। चना चाट तब बनी है जब मैं रूम में। चना चाट भी है और ट्राइफल भी है, कस्टर्ड कस्टर्ड भी है और खीर भी है। और ये यहाँ पे चिकन जो पॉप्स है ना, दो कढ़ाई हो गई क्योंकि आज ना जो ऑयली काम बहुत ज्यादा है क्योंकि पकौड़े भी बनने हैं, समोसे बनने हैं, रोल बनने हैं और अभी काफी चीजें बननी है। इस वजह से हमने दो कढ़ाई यहाँ पे निकाल ली क्योंकि ऊपर बनाने का मकसद ये है कि ऊपर जो है ना हमें चूल्हे ज्यादा मिल जाते हैं, दो यहाँ पे है, दो वहाँ पे बैक साइड पे है, वहाँ पे वो चिकन मंचूरियन और स्पैगेटी पड़ी हुई हैं। स्पैगेटी भी बनाई हैं वो आप भूल गए। और यहाँ पे ये आप चिकन पकौड़े बन रहे हैं, चिकन पॉप्स वाले, और यहाँ पे भी समोसे भी बन रहे हैं, चिप्स भी अभी आलू वाले चिप्स ही बनेगी क्योंकि हाँ। चिप्स ही बहुत टाइम लगता है, हमारा रहते हैं बाकी चीज़ें जल्दी से बन जाती हैं, चिप्स टाइम लगती है। तो सबसे पहले चिप्स के लिए बैटर तैयार करते हैं। यहाँ पे ये रोल और समोसे हैं जो पहले से तैयार किए होंगे। दो किस्म की चिप्स बननी है, ये बच्चों के फेवरेट हैं, ये सबके फेवरेट हैं और ये तो सबके ही फेवरेट हैं, बच्चे सब बड़े होंगे सबके फेवरेट हैं। अभी किचन में काफी ज्यादा मैसी हो चुका है, काफी चीज को मैंने नहीं कभी देखा। ये फ्राइज होने लगे, ये सबसे ज्यादा टाइम लेते हैं इसलिए हमने सबसे पहले इसी को रखा। देखिए इसलिए करके मैं डाल रही हूँ कि आपस में चिपक जाते हैं। नहीं चिपकते हैं, चिपकते हैं, हमारा एक्सपीरियंस है। तो भाई अच्छा है कि टाइम है आराम से के बच्चों में, मेरे ख्याल से इस दफा बच्चों ने ये चिप्स आलू बहुत ज्यादा खाए हैं, हद ही कर दी है मेरे ख्याल से। इंशाल्लाह से पहले बोरी, हाँ आलू के बोरी होनी चाहिए, बच्चों ने बहुत ज्यादा खाए हैं यार, बड़ों ने इतना नहीं खाया होगा। इसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं खाया ना, रोटी खाई ना कुछ खाई, चिप्स के और पकौड़े भी नहीं इतने खाए, पकौड़े पॉप्स डाल दिया ना चिकन पॉप्स, इसलिए वो डालेंगे खाएंगे। और मुझे बच्चों की इतनी मजे की बात लगती है, कहते हैं हर एक पकौड़े में ना होना चाहिए चिकन, होना चाहिए चिकन होना चाहिए। रमजान में हम जो हमारी इफ्तारी है ना इसमें सबसे ज्यादा जो डिशेज बन रही है इफ्तारी है, तो मेरे ख्याल से आप लोगों ने ये बताया कि ये इफ्तारी किसकी है। नहीं ये तो बताई, इफ्तारी आपने मेरे ख्याल से बताया ही नहीं किसी ने वीडियो में, काश ने भी नहीं बताया ये किसमें, सिर्फ ये बताया मैंने कि मेरी तरफ से इफ्तारी ये है। हाँ ये हाँ पूरी फैमिली को, क्योंकि अनम सिस्टर भी आ रही है, आमना और उमैर भी आए हुए हैं, तो हमने कहा चलो ये अच्छा मौका है कि सबकी इफ्तारी हो जाए क्योंकि बहुत कम रमज़ान में बहुत कम हुआ है, हाँ तो बहुत कम हुआ है कि हम सारे इकट्ठे हुए हैं, तो इस बार हमने कहा चलो जी इकट्ठे हैं तो इफ्तारी कर लेते हैं। यहाँ पे ना बेसन वाले आलू बन रहे हैं। अच्छा इनको कोई बेसन वाले, आपको ये पता है ये दो आलू मिला लो ना और ये बेसन के साथ, ये ना बाजार से 50 रुपीज के मिलते हैं। अच्छा? एक जो एक बड़ा आलू ऐसे ही तो घर बना के खाते हैं। हाँ। तो मीन्स के ये दो आलू को मिलाओ बेसन में डिप करो और फ्राई कर लो, 50 रुपए का एक है, इतनी महंगाई हो गई है यहाँ पे, जितना मर्जी खाओ। आलू वाले चिप्स बन गए और यहाँ पर ये आलू और बेसन वाले, और यहाँ पर ये फ्राइज भी हो गए हैं तकरीबन, थोड़ा सा इसे और फ्राई करना है तो बस फिर हो जाएंगे ये। तो आज जो है दूसरा अशा भी ख़त्म होने वाला है, और क्योंकि अब ना तकरीबन आखिरी अशा रह गया हुआ है और हर तरफ ना दावतें चल रही हैं, हाँ शॉपिंग और दावतें, ये बस दो काम रह गए हैं बस। हाँ तो आज जो है दावत में जो है ना हमारा यानी मेन्यू जो है ना आम दिनों की निस्बत ना जो रफ्तारी में होता है वो ज़्यादा है, बस इतना हम कहेंगे, हम वो नहीं कहेंगे कितना है, वो आप लोगों ने खुद बताना है कि क्या क्या आपने देखा। तो अभी बस ये तलने वाली चीज़ें ही बैठी हैं। हाँ जी अब्दुलरहमान भी आ गया, हाँ जी मोबाइल से फारग हो गए, ये सुबह से मेरे ख्याल से मोबाइल पर लगा हुआ है। यार हमने मर्दों की क्या शॉपिंग होती है, अभी हमने जाना है कोई ब्रांड पे जाएंगे, कोई ब्रांड के ऐसे किसी जो जाएंगे शलवार कमीज एक दो पसंद की, एक दो जूतियाँ पसंद की बस, ठीक है। वो मैं तो स्टिच करवाता नहीं हूँ, विकास भाई करवाते हैं, वो उन्हें टेलर की टेंशन है।
बच्चों के वो भी स्टिच ही लेने हैं, वो कोई इशू नहीं है। लेकिन बात ये टाइम भी मिलता है। और कुछ हमने ऑनलाइन मंगवा ली हैं और कुछ अभी रहते हैं बस। अब जो रमज़ान रहेगा ना, इसमें बस दो ही काम है, या तो लोग इत्तेफाक पे बैठेंगे उनका है वो इबादत करेंगे, बाकी बाकी कुछ लोगों के दिन में ये होगा दावतें और शॉपिंग बस। दावतें भी होंगी लेकिन ज़्यादातर मेरे यहाँ की शॉपिंग होगी क्योंकि लोग ज़्यादातर बाहर मेरे ख्याल में ज़्यादा बाजू भी होगी कन्या भर के लास्ट ताकत भी हैं तो लोग बातें भी करेंगे, जो जिसने बात करनी है वो तो करनी है। उन्होंने तो आज काइंडली आप फ्री होके भाई को अपने कपड़े दिए हैं, अगर स्टिच कराना तो स्टिच करवा लें। नहीं स्टिच मैंने मेरे ख्याल से साल हो गया मैंने स्टिच नहीं करवाया कोई, बस आपको कलेक्शन जमा हो रहा है। हाँ अनस्टिच काफ़ी हो गया, मैं कह रहा हूँ पड़े रहने दो अभी, किस काम आएंगे मुझे किसी शादी में, किसी शादी में लगता है वो आगे यूज हो जाएंगे, किसी को देने होंगे तो हाँ लगाने के काम आ जाएंगे। अब आप किसी को भी कपड़े लगाओगे ना तो मैंने कहना ये घर में पड़े हुए लगाने। नहीं नहीं वो मैं स्टिच करवाऊंगा क्योंकि वो गिफ्ट मिले हुए हैं एक मुझे मेरे, और मैं आपको बता दूँ कुछ आपको फ्रेंड्स की तरफ से गिफ्ट मिले हैं, कुछ वैसे मिले, कुछ आपको ईदियाँ आई हुई हैं। हाँ तो ये है वो पड़े हुए लेकिन वो भी स्टिच करवाऊंगा, लेकिन अभी अभी थोड़ा और वेट बढ़ जाए ना, थोड़ा और वेट बढ़ जाए जब वो जब मेरा वो हाँ जो वो मेरा फेवरेट ब्रांड है ना वहाँ से मुझे कपड़े नहीं ना मिलेंगे, फिर स्टिच ही करवाने पड़ेंगे। नहीं या तो मैं स्क्रीन पे चले जाऊँ या जो मेरा एंड फाइनल जिसामत आनी है ना मैं वो नहीं नहीं वो इंशाल्लाह वो कंट्रोल होगा वो मुझे नहीं, इतना तो मुझे भी पता है साल से ज़ेब का कि माशाल्लाह ज़ेब में जब काम करना होता है ना तो वो करके देखते हैं, और वो थोड़ी सी बात पर तो मुझे लगता सभी कर रहे होते हैं तो ज़ेब में बहुत। नहीं अब देखो ना रमज़ान में अब इतनी चीज़ें बंदा देखे नहीं तो करते फिर भी हाँ कम हो गया। हाँ लेकिन आज मुझे लगता है कि आज सारी हदें पार हो जानी है, कोई बात नहीं आज ग्रैंड है ना, काफ़ी चीज़ें मेरी पसंद की पकी हुई हैं। वो भाभी की तरफ से और विकास भाई की तरफ से हैं, और विकास भाई आराम से सो रहे हैं बस, उन्होंने कहा जी वो आ गए जो जी आ गए सैरी करने बैठ गए होते केले के लिए दोस्तों के साथ में अपने बना जा रहे हैं जिसको क्या बोलते हैं चिकन पकोड़ा नहीं ये कैनन्स पॉप्स पकोड़ा पॉप्स हाँ ये नया नाम रख दिया हम लोग, मुझे लगता है बच्चों को नहीं पता पता है बच्चों को सुनी कर रहे हैं बच्चे जब खाएंगे ना तो वो खुद ही लग जाएंगे। अभी सारे अपने बस ये अभी सारा फ्राई वाला अभी वीडियो बना रहा था उसके बाद मैंने शुरू किया वीडियो उसके बाद जाके ठीक है यही है कि हमने टेबल पे सारे लगा दिए और यहाँ पे सीटिंग बना दी है प्लेटों में डाले और यहाँ पे बैठ गया वहाँ पे टेबल भी रख दिया ताकि इजी हो जाए तो जमीन में बैठने क्योंकि अमीना नहीं बैठ सकती तो मुझे भी बहुत सी प्रॉब्लम है अभी नहीं बैठ सकता तो इस वजह से ना हमने कहा चलो आज ना सीटिंग वाला सिस्टम सीटिंग रखेंगे तो ये सारी जो है ना फ्राइड चीजें हैं बाकी चीजें जो है ना भी आ रही है। अच्छा ये सारी जो है ना ये चीज़ें तैयार हो गई हैं, इसके अलावा खाना भी है वो खाना बाद में दिखाएंगे, सारी चीज़ें जो है ना तैयार हो गई कोई चीज़ मिसिंग है इसमें कोई दिक्कत नहीं मेरे ख्याल सब कुछ हो गया है। तो जी अफ्तारी का टाइम बिल्कुल करीब है, अब वेट हो रहा है अरम सिस्टर का, बाकी सारे आगे हुए हैं अरम सिस्टर आती हैं अफ्तारी का टाइम भी वैसे 5-10 मिनट रहते हैं अभी वो आती हैं तो फिर हम अफ्तारी करते हैं और ये सारा फिर नोश बनाते हैं। तो जी सब भाइयों को जो है ना मैंने दावत दी हुई थी, हम सब भाइयों ने इकट्ठी दावत यानी कि अफ्तार करना था तो नई टाइमिंग हो रही थी तो जो है ना आज जो है ना हम सारे भाई इकट्ठे हो रहे हैं तो मेरी तरफ से और आशा की तरफ से जो है ना ये अफ्तार डिनर है उसके बाद डिनर नहीं है सब घर हमारी सारी फैमिली जो है ना हमारी जो अपनी फैमिली है वो सारी इकट्ठी है दरान भाई के अलावा खाने बनाने आते हैं जो बाहर की है वो भी इसी तरह अच्छे अच्छे खाने आमना है आशा है शादी है भाभी जो है वो भी इसी तरह हर चीज माशाल्लाह सारी चार एक बहुत माशाल्लाह तो आज जो है ना मैंने ड्रिंक भी जो है ना चार किस्म की ड्रिंक है टैंग है जमेश्री है और ये एपेटाइजर है क्या इसको बोलते हो मैडम
पुदीना ड्रिंक, पुदीना ड्रिंक है और ये दूध छोटा है, मिंट मार्गरिटा है और ये सारी चीजें जो है ना अभी हम अभी जब उतारी हो गई है उसके बाद ये पता नहीं चलना किधर गई और काका भी उठ के आ गया। तो यहाँ पे अनम सिस्टर भी आ गई है देख के कह रही थी मुझे ये चाहिए, वो मुझे पत्थर का चाहिए था, शीशे का भी नो डाउट बहुत अच्छा है, वो इतना अच्छा नहीं था यार। मुझे याद है ना हमारी पहले भी लिख गई थी वो लंबा सा, वो उसके अंदर रखते हैं चीजें। हाँ चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम ये आपको इस्तेमाल होगा। एक वो भी है वो छोटी भी है, बड़ी भी है, बड़ी भी है, ये उससे छोटी भी है, ये छोटी भी है। थैंक यू सो मच। तो जी सारी दुआ, अब टाइम थोड़ा सा रह गया हमें, तो जी पराठे मिल गए हैं सब कुछ है, आधे मैं डाल आप ये यहाँ पे जो है ना मैं प्लेटर बनाते हुए ये फ्रूट चाट भी है, सही बंदे भी हैं, स्पेक्टिस भी हैं। नाबिया कौन सा चुप करी पता है? नाबिया वॉक पर मिला एक रूम लीजिए। तो ये देखें जी ये मलाई बोटी समोसा बनाया हुआ है और ये जबरदस्त है वो, ये ना इसकी रेसिपी हम बनाना बना नहीं सके, इसकी रेसिपी बनाएंगे हमने को नहीं मिला, मैं आप ये ट्राई कर लीजिए, उनमें भी होगा अच्छे समोसे गैप हो गए। मलाई बोटी समोसा इसकी रेसिपी हम बनानी बनाई थी लेकिन बना नहीं सके, टाइम नहीं था, फिर कभी देखेंगे। मलाई बोटी समोसा यहाँ पर बैंक वहाँ देख रही है कैसा लगा ना?
बहुत अच्छा है माशाल्लाह, बहुत अच्छा है। मुझे तो खुद दिल कर रहा है कि मैं भी लूँ। ये देख तर्जमे के साथ भी कर सकते हैं, तर्जमे के साथ लैंग्वेज भी जो सी आप पश्तो सिंधी इंग्लिश भी सारी लैंग्वेज। ड्यूल वाला फंक्शन लगा है, ड्यूल वाला फंक्शन लगाओ, वो एंड पे होगा सेकंड लास्ट, उसको बंद करो। सेकंड लास्ट जो ऑप्शन है ना वो उसको कंबाइन मोड आ गया। आप तो कंबाइन मोड में पहले सबसे कारी सेट करो, कारी सेट करो, कारी अब्दुल बासी, अब्दुल बासी, अब जो जो साइड पर करनी है वो करो। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सब तारीफें अल्लाह के लिए हैं जो तमाम मखलूकात का पालने वाला है। तो जी इफ्तारी हो गई है और सारे बर्तन भी धुल गए हैं, चावल भी रेडी हो गए हैं। खाने को वैसे सबने बहुत ज्यादा खा लिया, खाने का दिल नहीं कर रहा, खानी पड़ेगी। ये मंचूरियन है और यहाँ पे चावल बन रहे हैं। ये रही मिक्स होने वाले हैं, मिक्स नहीं की, मिक्स नहीं की अभी, लेकिन अभी हम काम से जा रहे हैं, हम आएंगे फिर खाएंगे। ठीक है जा रहा हूँ। तो जी यहाँ पर जो है ना एग फ्राइड राइस और साथ जो है ना ये देखें चिकन मंचूरियन तैयार किया गया है डिनर के लिए। ये सबसे हल्की फुल्की चीज़ होती है, क्यों अच्छा इसमें ये है ना कि यानी कि हल्का फुल्का ये ग़िज़ा होती है, यानी कि अपने इफ्तारी के बाद जो है ना आराम से ये खाएं, इसलिए हमने ये डिसाइड किया था। वरना पिछली दफ़ा जो चीज़ भी बनाते हैं ना कोई खाते ही नहीं है, ऐसे ही हर इफ्तारी में सालन सारा बच जाता है बाद में, यानी कि उन्होंने दियो दियो उन्होंने दियो बनते रहते हैं। तो इससे बेहतर है कि आप ना उतनी चीज़ बनाएं, वो चीज़ बनाएं जो सारे खा लें। तो जी ज़बरदस्त किस्म के गरम गरम से चावल हैं ये देखें, ओ हाँ हाँ, और साथ जो है चिकन मंचूरियन, चिकन मंचूरियन डालते हैं। बोटी लो खाते ये चीज़, चलो ओ ये देख भी खाना तार हो गया। ये देखेंगे चिकन मंचूरियन बोटी ही बोटी जबरदस्त। चलो जी तैयार हो गया है, अब ये लेके चलते हैं। मेरा काका जो है ना थोड़ा अच्छा नाराज हुआ हुआ है, तबीयत नहीं ठीक उसकी। ये देखें जी राइस और मंचूरियन आ गए हैं और अब जो है ना सारे खाना खाएंगे। आ जाओ अमीर, अमीर से बैठी बातें हो रही हैं। अली भाई को बुला ले आओ, अनम सिस्टर आ गई हैं, आ जाओ जी। चाइनीज खाएंगे, चाइनीज या चाइनीज, इसलिए हमने रखा था क्योंकि फिर कोई खाता नहीं है, ये हल्की फुल्की गिज़ा होती है, आराम से खाई जाती है। ठीक है वो ये होता है, अनम सिस्टर जो है अली भाई को डाल के ना, क्योंकि वो दूसरे रूम में बैठे हुए हैं अपने वाले साहब के साथ बैठे हैं, तो उनको यहीं से सर्व करवा देते हैं। ठीक है तो जी खाना हो चुका है कंप्लीट, डिनर टाइम ख़त्म हो चुका है, तो अब चाय पार्टी चलेगी। अब थोड़ी देर में चाय रखी जा चुकी है, तो पूछते हैं सबसे कि खाना कैसा बना है। तो अम्मी बताएंगी खाना कैसा बना है। मंचूरियन चलो जी अनम बताइए अनम कैसा बना है। तो मुझे तो सारा ही सारी इफ्तारी और खाना बहुत ही मजे का लगा, वो समोसे भी बहुत मजे के थे, हर चीज जो थी ना वो चाट भी क्रीम सैलेड भी और हर चीज चने वाली चाट दही बल्ले और स्पैगेटीज और ड्रिंक्स भी बहुत अच्छे थे सारे थे और चाइनीज चावल भी बहुत मजे के थे। काफी अरसे बाद इतना मजे के चाइनीज चावल और मंचूरियन खाया, माशाल्लाह बहुत अच्छा। हमारी जो सारी भाभियां ना वो सबके हाथ में टेस्ट है, शुक्र है अल्लाह का। चलो जी किचन में दामना से पूछते हैं
कि शेफ को हमारे घर का खाना कैसा लगा आज? बहुत मज़ा आया, सब कुछ मैंने खाया। शादी के बाद ऐसे खाया नहीं जाता, लेकिन सब कुछ मैंने आराम से बैठ के सब कुछ खाया आज, कोई काम नहीं किया मैं। इसलिए मैं एक बात बताऊँ कि जब इसने ना समोसे बनाए ना, मुझे नहीं पता था, वीडियो आई ना तो मेरा मेरे पास नहीं थी, मेरा दिल चाहे इसके हाल छोड़ू, इतने समोसे जल्दी जल्दी इसने जो 500 समोसा बना दिया। बहुत मजा आया, और आज ना मंचूरियन बहुत मतलब बहुत ज्यादा मजे का बना है, लेकिन इतना ज्यादा कभी मजे से नहीं बना, मजे का नहीं बना, आज बहुत मजे का बना मंचूरियन, ऐसा लग रहा है जैसे मैंने भी लगाया। तो जी साजा भाभी से पूछते हैं खाना कैसा बना। साजा भाभी ने तो आज हेल्प भी किया साथ किचन में, पता नहीं सेट पे नजर आया कि नहीं आया, आया होगा यकीन है। नहीं वैसे भी कोई टेंशन नहीं है किसी को, लेकिन ये है कि जबरदस्त बहुत मजा आया मुझे तो अफ्तारी में, बहुत मजा आया स्टार्ट टू एंड। पिछली दफा आशा सैम भाई थी, हां आप आशा ने शादियां नहीं की, क्या आपने ऐसा शादियां मैं नहीं आई थी, मैं जिस दिन आपकी आपकी अफ्तारी थी ना उससे एक दिन पहले हमने देखा था। तो चलो जी थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया सबके आने का भी, सबने अपने 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 स्केड्यूल से टाइम निकाला। हाँ तो क्या आजकल सबका बिजी स्केड्यूल है, हाँ सबका बिजी स्केड्यूल है, तो सबका बहुत बहुत थैंक यू कि सबने अपने अपने बिजी स्केड्यूल से टाइम निकाला है। तो आप विकास पूछेंगे जेंट्स साइड से कि जी इनको खाना कैसा लगा? सारे जो है ना अफ्तारी हो गई है, खाना भी खा लिया है, बहुत जबरदस्त हो गया था, हमारा आयद भी आया हुआ। हेलो, तो उमेर भाई जो है ना वो चले गए हैं शॉपिंग करने कुछ, ठीक है, रेहान को अबू को ले गए हैं शॉपिंग कराने के लिए किसी जगह पे ना। ये इधर बीबी, ये मेरा बीबी भी आया हुआ इधर, मेरा पापा उधर खड़ा हुआ है। तो जी सब कुछ अच्छा हो गया, अच्छा जबरदस्त हो गया, काफी काम किया है, कुछ कमी रह गई, एक दो चीजें कम रह गई, क्योंकि हमारे पास ना वो गैस का जो है ना वो बड़ा मसला हुआ है। ईद पे ट्राई करेंगे, क्योंकि हमने ना वो पॉकेट्स बनानी थी, नगेट्स बनाने थे। इस दफा हमारी जो पार्टी में से एक चीज और स्किप थी, वो जो कटलेट्स हम बनाते हैं वो भी स्किप थे, कटलेट्स भी नहीं बन सके, वो ज़हन में नहीं आए। नहीं मुझे ज़हन में नहीं आया, मसला ये था कि गैस इशू था, वरना कोई प्रॉब्लम नहीं थी आज। ये तो होता रहता, चलो कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी यानी कि ऐसा बना हुआ था कि कोई चीज बची नहीं है, सबने खाया और सबने कुछ नहीं, कुछ नहीं ना किसी को साथ देना पड़ना, ये सब कुछ यहीं पर खाया गया, जबरदस्त हो गई, और यही सबसे बेस्ट होता है। और आना कैसा लगा आना? बहुत सी ऐसी कुछ चीजें हैं जो मैंने आयशा भाभी से सीखी हुई है, तो मतलब बहुत सी चीजें जैसे कि कुछ चीजें प्लीज करना, मैंने आयशा भाभी से सीखी है यहाँ पे आके ससुराल में। तो आयशा भाभी जो है ना बहुत अच्छी कुकिंग करती है, बहुत मजा आया मुझे, मंचूरियन फ्रूट चाट बहुत सब कुछ बहुत मजे का था, बहुत मजे का था। ये देखे मेरा बेबी, मेरा बेबी चोट लगा के बैठा हुआ है, सही हो गया, थोड़ा सा काफी बेहतर हो गया। तो आपको मजा आया ना? बहुत मजा आया। उमेर भी जो है ना वो राइस खा के गया ना, चाइनीज जो है ना, हाँ बिरयानी किसी ने खाई भी नहीं थी, ऐसी था ना, सबको घर की नहीं पड़ गई थी, वो घर लेके गए, मम्मी लेके गए, सारे लेके आए थे। तो जी ये थी आज की वीडियो, अगर आपको अच्छी लगी तो आपने लाइक करना है, शेयर करना है अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ। तो ये हमारा अफ्तार था, क्योंकि ड्यू था कि मैं मेरी अफ्तारी लाई हुई थी मेरी आशा की तरफ से, तो वो हमने घर वालों को अपनी जो फैमिली है ना उन सबको ये अफ्तारी करवाई। तो वीडियो आपको अच्छी लगी तो उसको लाइक करना है, शेयर करना है अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ। और हमारे काके को जो है ना उसको गेट वेल सून जल्दी कह देना है आपने, क्योंकि वो अभी काफ़ी बेहतर हो गया, बस सही हो रहा है, ठीक है।
ठीक है ना। तो खुश रहें, सबको खुश रखें, अल्लाह हाफिज़।